धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक मामले में दायर हुई जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती है। जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के जरिए भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसे में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। जमानत याचिका खारिज करने का आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लग जानी चाहिए। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। ये अनुच्छेद किसी को भी धर्म मानने और पूजा करने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अब धर्मांतरण के मुद्दे पर अयोध्या के प्रमुख संतों ने भी अपनी आवाज उठाई है। बहुत अच्छी बात जज साहब ने कहा है, कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यह अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्या बढ़ करके बहुसंख्यक के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, वो धर्मांतरण के माध्यम से हो रहे हैं अधिकांश, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही गतिविधि चलती रही तो निश्चित है कि अल्पसंख्यक जो हैं बहुसंख्यक हो जाएंगे। और उनका उद्देश्य भी है कि हम अधिक से अधिक संख्या किसी न किसी प्रकार से बढ़ा लें, चाहे वो अधिक बच्चा पैदा करके और चाहे धर्मांतरण करके किसी न किसी प्रकार से जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको उनकी कम कर दिया जाए संख्या, हमारी संख्या बढ़ जाए। और संख्या अपनी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यह धर्मांतरण का जो व्यवस्था है इसको कड़ी से कड़ी इसके निगरानी करके और इसको किया जाए कि इसको रोक किया जाए, कड़े से कड़े दंड दिया जाए जो ऐसी हरकतें करते हैं। जब लोग बोलते बहुत हैं, कहते हैं कि हाँ कि हम अल्पसंख्यक धर्मांतरण को रोकेंगे, और ये धर्मांतरण को जो नहीं रोका गया तो जैसा जज साहब ने कहा है कि अल्पसंख्यक जो हैं बहुसंख्यक हो जाएंगे और बहुसंख्यक जो हैं अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जिसने बहुत बड़ा विस्फोटक होगा और हमारे देश के लिए जो घातक होगा, ये एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत ही है। और इसमें यदि ऐसी स्थिति आई तो यह भी अल्पसंख्यक के दृष्टि से यह भी उन लोग का प्रयास है और हमारे बहुत कुछ हिंदू का प्रयास है जिनको सत्ता नहीं मिली है, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा भी प्रयास करते हैं, वो भी उन्हीं के साथ में है अल्पसंख्यकों को। तो यह बहुत ही गंभीर बात है और सोचने वाली बात है, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग और सभी हिंदू लोग इस पर विचार करें, सोचें, और कहीं पर भी अल्पसंख्यक की यह जो धर्मांतरण होता है इसको पूर्ण शक्ति के साथ रोका जाए।